दोस्तों आज की सक्सेस स्टोरी मुझे मेरी प्यारी सी बहन ने भेजी है। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक स्टूडेंट हैं, वो मुझे भैया ही कहती हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी है, आपकी वाइब्रेशंस को अलाइन करेगी। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की सक्सेस स्टोरी में। बिना समय गवाए फटाफट से शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। मेरे प्यारे दोस्तों, हो सक्सेस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करो। जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है तो हेल्पलाइन नंबर ये रहे, अपनी प्रॉब्लम भेजो, जिंदगी बेहतर नहीं, जिंदगी खूबसूरत बनाओ। चलिए पढ़ लेते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। हेलो ऋषभ भैया, हर हर महादेव। सॉरी, आपको सर की जगह मैंने भैया कहा, बट आपको पता है मेरे पापा भी नहीं हैं, ना ही कोई भाई है, आप ही मेरे बड़े भैया हैं। आपको तो सब पता है भैया, बट मैं चाहती हूँ कि आज ये सक्सेस स्टोरी आप स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी से बड़ा कोई नहीं है डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज मेरे पापा नहीं हैं और कोई भाई भी नहीं है, इसलिए मेरे चाचा जी और मामा जी ही सब करते हैं। मैं और स्वप्निल 7 साल से रिलेशनशिप में थे, हमारे बीच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब स्वप्निल के घर शादी की बात हुई तो उन्होंने हमारे बारे में बता दिया, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी फैमिली मान गई। जब मैंने अपने घर में बात की तो मेरी मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे चाचा जी और मामा जी रेडी नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। अब मैं उनकी बिना मर्ज़ी के शादी नहीं कर सकती थी, बिकॉज़ मैंने शादी की तो वो रिश्ता नहीं रखेंगे और मेरी मम्मी और छोटी सिस्टर अकेले हो जाएंगी। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, जॉब पर भी फोकस नहीं हो रहा था, घर में फोकस नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मेरी दोस्त है ऑफिस में, उसने आपका वीडियो बताया सक्सेस स्टोरी का। मैंने तुरंत आपके नंबर पे कॉल किया, रात को 9 बजे अराउंड कॉल किया और मैंने आरओ सर के साथ बात की। रात के 9 बजे बाद भी सर ने मुझे सब समझाया, आरओ सर ने मुझे सेशन के लिए कहा, फिर मेरी बात आपके साथ सेशन में हुई। आपने मेरी प्रॉब्लम सुनी, आपने मुझे बताया कि आपकी शादी होगी, ये मैं कह रहा हूँ। इतनी खुशी हुई मुझे ये सुन के, मैं नहीं बता सकती आपको। आपने जो मुझे टेक्निक बताई फॉलो करने के लिए, वो मैंने नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दी। आपने जैसे बताया वैसे मैंने 369 टेक्निक और विजुलाइजेशन स्टार्ट किया। पता नहीं क्यों, बट आपसे सेशन में बात करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। जब भी मैं टेक्निक फॉलो करती थी, मुझे आपकी बात याद आ जाती थी कि शादी होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा उदास रहती थी। ये देख के मेरी मम्मी ने चाचा जी और मामा जी से बात की और उन्हें मनाया स्वप्निल की फैमिली से मिलने के लिए। फाइनली वो मान गए मिलने के लिए, बट उन्होंने कहा अगर सब सही हुआ तो ही करेंगे, उसके बाद तुम इस बारे में बात नहीं करोगी। मान गई स्वप्निल की पूरी फैमिली मेरे घर आई। आप बिलीव नहीं करेंगे, भगवान के आशीर्वाद से और आपके विश्वास से सब मान गए। मैं वहीं रोने लगी। सब बात करने के बाद सबने एंगेजमेंट फिक्स की। आज मेरे पास मेरी फैमिली और मेरा प्यार दोनों हैं, जिसकी वजह सिर्फ आप हैं भैया। थैंक यू सो मच ऋषभ भैया, आपको अपनी बहन की शादी में आना ही पड़ेगा। मैं जैसे ही डेट आएगी आपको बताऊंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऋषभ भैया एंड आरव भैया। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव मेरी प्यारी बहना। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा शादी तो होगी। जी हाँ, सबसे पहले बहन मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे भाई की पदवी दी। और रही बात शादी में आने की, तो भाई बिना भैया के शादी हो कैसे हो पाएगी। मैं ज़रूर आऊँगा, कन्यादान ज़रूर करूँगा और एक सक्सेस स्टोरी शूट करूँगा, ताकि आप जैसी मेरी और बहनें मोटिवेट हो पाएँ, ज़िंदगी बेहतर नहीं ज़िंदगी खूबसूरत बना पाएँ। देखो भैया दोस्तों, सीधी बात है, हिंदुस्तान में रहते हैं, चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, ताऊ जी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी है मेरे दोस्त, ज़िंदगी है इसलिए तकलीफ़ है। मरने के बाद तो जलन भी महसूस नहीं होती, लेकिन
आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है, अगर ईश्वर ने परेशानी दी है तो सॉल्यूशन भी दिया है। अगर ये वीडियो आपको मिली है तो ये भी तो एक सॉल्यूशन है। अगर सेम सिमिलर प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है तो किसका इंतजार कर रहे हैं आप? ये रहे हेल्पलाइन नंबर, कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, जिंदगी बेहतर नहीं जिंदगी खूबसूरत बनाइए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।